क्या आपने कभी धूप वाले दिन आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये नीला क्यों है? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रोचक है। और सोचा है कि ये नीला क्यों है? ये सवाल सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। प्राचीन समय से लेकर आज तक लोग इस नीले आकाश की सुंदरता में खो जाते हैं। आसमान का ये छटक नीला रंग एक अजीब सी एक्साइटमेंट का सोर्स है। ये रंग हमें एक अनोखी शांति और सुकून का एहसास कराता है। ये आर्टिस्ट, कवि और सपने देखने वालों को इंस्पायर करता है। कितनी ही कविताएं और पेंटिंग्स इस नीले आसमान की प्रेरणा से बनी हैं, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये नीला रंग कैसे बनता है? इसका जवाब छुपा है कि सूरज की रोशनी धरती के वायुमंडल के साथ कैसे खेलती है। जब सूरज की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वे विभिन्न गैसों और कणों से टकराती हैं। चलिए इस रोज के चमत्कार के पीछे के साइंस को समझते हैं। सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं जिन्हें हम इंद्रधनुष में देख सकते हैं। जब ये रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीली रोशनी सबसे अधिक बिखरती है। हम उन राज्यों को खोलेंगे जो हमारे आसमान को ये लाजवाब नीला रंग देते हैं। ये नीला रंग हमें याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर कितनी अद्भुत चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो इस नीले रंग के पीछे की कहानी को याद करें और इस चमत्कार का आनंद लें। सूरज हमारा तारा है, जलती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला जो रोशनी और गर्मी देता है। सूरज की सतह पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है जो हमारे सौर मंडल को जीवंत बनाता है। यह रोशनी जो हमारी आंखों को सफेद दिखाई देती है, असल में इंद्रधनुष के सभी रंगों का मिश्रण है। जब यह प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में बंट जाता है, जिससे हमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि सफेद प्रकाश वास्तव में कितने रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचती है तो यह सीधी रेखा में नहीं जाती। इसके बजाय यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही विभिन्न कणों और गैसों के साथ टकराती है। यह टकराव प्रकाश की दिशा को बदल देता है और इसे बिखेर देता है। इसके बजाय यह हमारे वायुमंडल में मौजूद कई तरह के कणों और गैसों के साथ खेलती है। यह प्रक्रिया, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यह बताती है कि क्यों आसमान का रंग दिन के समय नीला और शाम के समय नारंगी या लाल हो जाता है। यही खेल समझने की कुंजी है कि आसमान नीला क्यों दिखता है। जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीली रोशनी की तरंगें छोटे कणों से अधिक बिखरती हैं, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। सूरज की रोशनी को एक लहर की तरह सोचो। प्रकाश की ये तरंगें विभिन्न लंबाई की होती हैं और हर रंग की तरंग की लंबाई अलग होती है। समुद्र में लहरों की तरह प्रकाश तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है। छोटी तरंगें नीले और बैंगनी रंग की होती हैं, जबकि लंबी तरंगें लाल और नारंगी रंग की होती हैं। इंद्रधनुष का हर रंग प्रकाश की एक अलग वेवलेंथ दिखाता है। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से गुजरती है तो यह विभिन्न रंगों में बंट जाती है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकाश की तरंगें कैसे काम करती हैं और कैसे वे हमारे चारों ओर की दुनिया को रंगीन बनाती हैं। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, जबकि बैंगनी रंग की सबसे छोटी। बाकी रंग इनके बीच में आते हैं और ये सब मिलकर प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जब सूरज की रोशनी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये इन छोटे छोटे कणों से टकराती है। इस टक्कर से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। ये बिखराव प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य, जैसे नीले और बैंगनी रंग के लिए, ज्यादा होता है। इस घटना को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। रेले स्कैटरिंग का नाम लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। 19वीं सदी के अंत में उन्होंने प्रकाश के बिखरने के सिद्धांत को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य, जैसे नीली और बैंगनी रोशनी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटे कणों द्वारा अधिक मजबूती से बिखरी होती है। हवा में मौजूद अणु जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे होते हैं। ये अणु प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेरते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी वायुमंडल से होकर गुजरती है, ये विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में बिखरती है। नीली और बैंगनी रोशनी सभी दिशाओं में बिखर जाती है,
लेकिन नीली रोशनी अधिक प्रभावी ढंग से बिखरती है। हमारी आंखें बैंगनी रोशनी की तुलना में नीली रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इसलिए जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला रंग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि हम नीले और बैंगनी रंग के मिश्रण के बजाय आसमान को नीला देखते हैं। लेकिन जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो उसकी रोशनी को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीली और बैंगनी रोशनी अधिक बिखर जाती है और लाल, नारंगी और पीली रोशनी प्रमुख हो जाती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में हमें लाल और नारंगी रंग दिखाई देते हैं। प्रकाश का यह बिखराव न केवल आकाश के रंग को प्रभावित करता है, बल्कि इंद्रधनुष जैसे प्राकृतिक घटनाओं को भी जन्म देता है। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है तो यह विभिन्न रंगों में बिखरती है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस प्रकार रेले स्कैटरिंग का सिद्धांत न केवल आकाश के नीले रंग को समझाने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि विभिन्न मौसम और समय के दौरान आकाश के रंग कैसे बदलते हैं। यह सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आज भी वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन और अनुसंधान का विषय बना हुआ है। अगली बार जब आप नीले आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि इसके पीछे रेले स्कैटरिंग का अद्भुत विज्ञान छिपा हुआ है। स्पेक्ट्रम के दूसरे रंग जैसे हरा, पीला, नारंगी और लाल की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है। वे हवा में अणुओं द्वारा उतने प्रभावी ढंग से नहीं बिखरते हैं। ये रंग कम बिखराव के साथ वायुमंडल से गुजरते हैं। यही कारण है कि हम सूरज को पीला देखते हैं। सूरज का असली रंग सफेद होता है, लेकिन नीली रोशनी बिखर जाती है। आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि बिखरी हुई नीली रोशनी हमारी आंखों तक सभी दिशाओं से पहुंचती है। यह हमारे ऊपर एक नीले गुंबद का भ्रम पैदा करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज क्षितिज पर नीचे होता है। सूरज की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल के अधिक भाग से होकर जाती है। नीली रोशनी और भी अधिक बिखर जाती है, जिससे नारंगी और लाल रंग की लंबी तरंग दैर्ध्य हावी हो जाती है। यही कारण है कि हम इस दौरान नारंगी, लाल और गुलाबी रंग के शानदार रंग देखते हैं। आसमान के रंग प्रकाश, वायुमंडल और हमारी धारणा के बीच परस्पर क्रिया की एक सुंदर याद दिलाते हैं। एक साफ दिन में आसमान गहरा नीला दिखाई देता है क्योंकि हवा में धूल और नमी कम होती है, जिससे अन्य रंग बिखरते हैं। नीली रोशनी अधिक प्रभावी ढंग से बिखरी हुई है, जिससे अधिक तीव्र नीला रंग बनता है। नीले रंग की तीव्रता दिन के समय सूर्य के कोण और वायुमंडल की संरचना जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। प्रदूषण आसमान के रंग को भी प्रभावित कर सकता है। प्रदूषक प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य को समान रूप से बिखेर सकते हैं, जिससे आसमान धुंधला और कम नीला दिखाई देता है। हवा में पानी की बूंदें, जैसे कि बादल वाले दिन मौजूद होती हैं, प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से बिखेर देती हैं। यही कारण है कि बादल छाए रहने पर आसमान सफेद या धूसर दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर पृथ्वी पर एक अलग तरह का वातावरण होता तो आसमान नीला नहीं होता। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर आकाश उसके पतले वातावरण में धूल के कणों के कारण लाल भूरा दिखाई देता है। शुक्र का आकाश सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों में हमेशा के लिए डूबा रहता है, जो इसे एक पीलापन देता है। नीला आकाश प्रकृति के अजूबों और वैज्ञानिक थ्योरियों की भव्यता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे आम घटनाओं के भी असाधारण स्पष्टीकरण हो सकते हैं। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो प्रकाश और पदार्थ के उस जटिल नृत्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य का निर्माण करता है। यह एक अनुस्मारक है कि विज्ञान केवल समीकरणों और प्रयोगशालाओं के बारे में नहीं है, यह हमारे दैनिक अनुभवों का एक अभिन्न अंग है।